वेलकम दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था, एयर कंडीशनर है 10 मिनट के बाद आउटडोर बंद हो जाता है, एसी जो है 10 मिनट चलता है 10 मिनट के बाद बंद हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा? इस तरह से हमें क्वेश्चन किया गया है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन होता है तो इसका हमें क्लियर नहीं है, कंप्रेसर बंद हो रहा है या फिर टोटली आउटडोर ही बंद हो रहा है। बंद होने का रीजन कई टाइप हो सकते रहेंगे, या तो हमारा टोटली बंद हो जा रहा है, इंडोर आउटडोर बंद हो रहा है, या फिर कंप्रेसर बंद हो रहा है, या फिर एसी बंद हो रहा है। अगर हमारा कोई टेक्निकल फ्रेंड है, टेक्नीशियन है, तो उसको इस तरह से चेक करके कंफर्म कर सकता है क्या बंद हो रहा है। फर्स्ट हमें ये चीज मालूम होना चाहिए, बंद क्या हो रहा है, टोटल हमारा इंडोर आउटडोर यूनिट ही बंद हो जा रहा है 10 मिनट चल के, या फिर आउटडोर जो है बंद हो जा रहा है टोटली, या फिर कंप्रेसर बंद हो रहा है। तो इस वीडियो में ये सब का डिटेल्स जानेंगे, तीनों में क्या क्या बंद हो सकता रहेगा और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा अगर हमारा टोटल बंद होता है या कंप्रेसर या आउटडोर। अगर आपको सबके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर यह जो हमारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल मीन्स अगर हमारा पावर इसमें जा रहा है 10 मिनट के बाद, अगर हमारा मेन MCB LCP स्विच जो भी लगा हुआ है बंद हो जा रहा है, ट्रिप हो जा रहा है, कट ऑफ हो जा रहा है, तो कंडीशन में इंडोर आउटडोर टोटल हमारा बंद हो जाएगा। अगर इस तरह से हो रहा है तो, अगर 10 मिनट के बाद इस तरह से हो रहा है, टोटली बंद हो रहा है, तो कंडीशन में हमें चेक करना होगा कहीं ना कहीं वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट कहाँ से कहाँ हो सकता रहेगा ये हम समझते हैं। अगर हमारा 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद बंद हो रहा है तो उसमें हमारा चालू किया हमने, इंडोर चल रहा है, फर्स्ट हम चालू करते हैं, स्विच चालू करते हैं तो इंडोर चालू हो जाता है, और इंडोर जो जब चालू जाता है तो वहां से 5 मिनट के बाद जो है, 3 मिनट के बाद जो है, अलग अलग डिफॉल्ट से एसी सेटिंग रहता है, 3 या 5 मिनट के बाद जो है सीपी पावर जो है कंप्रेसर को चालू करने के लिए डिमांड भेजता है, छोड़ता है। जब यहाँ सीपी पावर जब कंप्रेसर को डिमांड छोड़ेगा आउटडोर में जाएगा, अगर कंप्रेसर में या फिर कंप्रेसर का जो कम्युनिकेशन वायर रहता है वो शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट रहेगा तो कंडीशन में क्या होगा, 5 मिनट तो हमारे एसी चलेगा चलेगा, जैसे यहाँ से पावर आउटडोर के लिए जाएगा वो कंडीशन में शॉर्ट सर्किट रहेगा, यानी कि एग्जाम्पल हमारा कम्युनिकेशन वायर शॉर्ट हो सकता रहेगा, तभी भी ट्रिप कर जाएगा मेन ब्रेकर, या फिर यहाँ से पावर हमारा कंप्रेसर यानी कि आउटडोर तक जा रहा है, आउटडोर अगर में जा रहा है तो उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, फर्स्ट में कंडेंसर फैन मोटर लगा रहता है, अगर कंडेंसर फैन मोटर का वार्निंग शॉर्ट रहेगा तभी भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, हमारा मेन जो है ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फिर कंप्रेसर का वायरिंग खराब हो गया है, शॉर्ट है, ग्राउंड है, वो कंडीशन में इस तरह से हमारा मेन ब्रेकर सर्किट ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट रीजन होता है कंप्रेसर मोटर या शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड होना, शॉर्ट होना, आपस में फेस न्यूट्रल शॉर्ट होना या अर्थ से शॉर्ट होना, तभी हमारा मेन LCB या MCB जो भी कटआउट रहता है वहां से ट्रिप होता है, बंद होता है या फ्यूज उड़ जाता है। अगर ये सब सही है, इस तरह से नहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा है, सिर्फ हमारा जो है इंडोर चल रहा है, 5 या 10 मिनट के बाद हमारा आउटडोर जो है सिर्फ आउटडोर ही बंद हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हुआ या सीपी पावर आउटडोर में गया, फिर 4-5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद अगेन जो है सिर्फ आउटडोर ही टोटली हमारा बंद हो जा रहा है, तो कंडीशन में हम जो इंडोर का जो रहता है सेंसर चेक करेंगे, टेम्परेचर सेंसर कितना डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, अगर हमारा ये ऑटो मोड पर है या फिर एग्जाम्पल हमारा 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है, रूम में 24 डिग्री टेम्परेचर आ गया तो कंडीशन में बेसिकली जो है बंद हो जाएगा 5-10 मिनट में, क्योंकि टेम्परेचर जल्दी क्योंकि जो है मेंटेन कर लेता है। ये भी अगर सही है, उसके बाद हमारे जो सेंसर चेक कर लेंगे, सेंसर अगर खराब रहेगा तो कंडीशन में क्या होगा, सेंस नहीं कर पाएगा या फिर जल्दी सेंस करके रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है उसका, तो पीसीबी को आउटडोर सप्लाई छोड़ दे रहा है, कट ऑफ कर दे रहा है, या सेंसर वगैरह पीसीबी सर्किट में देखेंगे लूज हो सकता रहेगा, अगर लूज पॉइंट रहेगा कनेक्ट रहेगा तभी इस तरह से प्रॉब्लम होता है, या फिर रिले देखेंगे, रिले के पीछे जो रहता है उसके सोल्डिंग रहता है, सर्किट रहता है वो जल जाता है या लूज पॉइंट हो जाता है, वो कंडीशन में क्या होता है चालू होता है, फिर थोड़ा सा कुछ हिलेगा, अनबैलेंस होगा, फिर थोड़ा सा वो छोड़ देता है पावर, वहां से नहीं जा पाता है, ये चीजें हमें चेक करना होगा। सिर्फ हमारा आउटडोर बंद हो रहा है तो वो कंडीशन में सीपी पावर हमारा आउटडोर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है 5-10 मिनट के बाद अगर बंद होने के बाद टोटली आउटडोर इंडोर चल रहा है तो कंडीशन में इंडोर का सीपी में रिले सेंसर ये सब चीज चेक करना चाहिए। अगर हमारा सीपी पावर जो है कंटिन्यू जा रहा है आउटडोर में जा रहा है
और आउटडोर बंद हो जा रहा है, तो आउटडोर में क्या बंद हो जा सकता रहेगा? अगर सीपी पावर जा रहा है, यानी कि कंप्रेसर का पावर जो है यहाँ से इंडोर से आउटडोर में जा रहा है, कम्युनिकेशन पावर जा रहा है, तो कंडीशन में हमारा दो के दोनों एक साथ में नहीं बंद होगा। या तो फिर हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा या फिर कंडेंसर फैन बंद होगा। अगर कंडेंसर फैन पहले बंद हो रहा है तो उसके बाद में कंप्रेसर अपने आप ही बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि कंडेंसर फैन जो रहता है वो कंडेंसिंग क्रिया करता है, गैस को हीट को निकालता है। अगर हमारा कंडेंसर फैन ही बंद हो जाएगा, चल करके जाम रहेगा या फिर बाइंडिंग शॉर्ट रहेगा, कोई भी कारणवश अगर कंडेंसर फैन बंद हो जाता है, वो कंडीशन में क्या होगा? कंप्रेसर हाई प्रेशर पर जा करके हीट होकर के बंद हो जाएगा। ये हमारा रीजन होता है दोनों में से अगर हमें चेक करना होगा, क्योंकि ये तो अगर कंडेंसर फैन मोटर अगर हमारा जाम है तो मैं बाहर से जाके उनके पास हम जब फैन को घुमाएंगे तो मालूम चल जाता है ये मोटर हमारा जाम है, बैरिंग जाम हो सकता रहेगा, बूस्ट जाम हो सकता रहेगा, उसे हम रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे। अगर इस घूम रहा है, फिर स्मूथली चल रहा है, फिर भी थोड़ा टाइम के बाद बंद हो जा रहा है, तो उसके अंदर जो हमारा कैपेसिटर वीक हो सकता रहेगा। कंडेंसर फैन मोटर जो रहता है उसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, कैपेसिटर अगर खराब हो गया, वीक हो गया, तो थोड़ा टाइम चलेगा, थोड़ा टाइम चलने के बाद बंद हो जाएगा, स्टार्ट नहीं लेगा, या फिर स्पीड जो है प्रॉपर नहीं हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, या उल्टा घूम रहा है, या सीधा घूम रहा है, सीधा घूम रहा है स्लो हो सकता रहेगा, स्लो है तभी भी सर्च प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्लो कंडेंसर फैन का स्पीड अगर स्लो रहेगा तो कंडीशन में क्या होगा? जो हीट रहता है गैस का जो गर्म रहता है, हीट एक्सेस रहेगा, वो नहीं निकाल पाएगा, हीटिंग क्रिया नहीं हो पाएगा, वो कंडीशन में कंप्रेसर गर्म होगा, कंप्रेसर के ऊपर लोड आ करके, तो उसके लिए तुरंत नहीं होता है, 10-15 मिनट 5 मिनट टाइम लेता है, उसके बाद ही बंद हो जाता है। ये मेन रीजन होता है कंडेंसर फैन का स्पीड, कंडेंसर फैन का कैपेसिटर, कंडेंसर फैन का हमारा जो वाइंडिंग रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग उसका वीक होना। इस तरह से चेक करेंगे, अगर वाइंडिंग वीक है तो हम वाइंडिंग चेक करेंगे, कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस मीटर चेक करेंगे, प्रॉब्लम चल जाएगा, मालूम चल जाएगा हाँ कंप्रेसर मोटर खराब है। किस तरह से मोटर चेक करते हैं इसका, इस पर दूसरा हमारा वीडियो बना हुआ है, ये आप कहेंगे और भी आगे हम बनाने वाले हैं। हो गया, ये हमारा कंप्रेसर जो है टोटली बंद हो जा रहा है, अगर कंडेंसर फैन का प्रॉब्लम है इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हमारा सिर्फ कंडेंसर फैन चल रहा है, 5 मिनट चला, ये टोटल हमारा 5-10 मिनट एसी चल रहा है, उसके बाद 10 मिनट के बाद कंप्रेसर बंद हो जा रहा है और कंडेंसर फैन कंटिन्यू चले जा रहा है, कूलिंग नहीं हो रहा है, कंडेंसर फैन कंटिन्यू चले जा रहा है और कंप्रेसर बंद हो जा रहा है 8-10 मिनट 5-10 मिनट के 15 मिनट के बाद, तो कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा? सेम वही चेक करेंगे, हमारा जो इसका कैपेसिटर रहता है कंप्रेसर का, कंप्रेसर अगर सिंगल फेस है इसमें कैपेसिटर रहेगा, 3 फेस है इसमें कैपेसिटर नहीं रहेगा। तो अगर सिंगल फेज का है जैसे कैपेसिटर जो रहता है ये हमारा वीक हो सकता रहेगा, खराब हो सकता रहेगा, या फिर देखेंगे वो फूक गया रहेगा, फूल जाता है, खराब होता है, बाहर साफ रख करके समतल जगह पर रखेंगे तो मालूम चलेगा ये सही है या खराब है। इसका स्पेशल वीडियो हमारा दूसरा बना हुआ है, किस तरह से कैपेसिटर चेक करते हैं सही या खराब है, ये और भी हम आगे बनाने वाले हैं। ये जो कैपेसिटर वीक रहेगा तो उसे कैपेसिटर हम चेंज करेंगे, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं ले रहा है, अगर की आवाज आ रहा है, तो सीधे से आप समझ सकते रहेंगे कैपेसिटर आपका आपका 80% जो है कैपेसिटर ही खराब हो सकता रहेगा, कैपेसिटर चेंज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैपेसिटर चेंज किए अगर हम का आवाज भी आ रहा है तो उसका इंटरनली जो वाइंडिंग रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग उसका खराब हो सकता रहेगा, वीक हो सकता रहेगा, शॉर्ट हो सकता रहेगा, इससे कंप्रेसर बार टेकअप नहीं ले पा रहा है, स्टार्ट नहीं ले पा रहा है, या फिर कंप्रेसर का अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम रहता है वो स्टक हो गया है, जाम हो गया है, तभी भी क्या होगा हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पाएगा, लोड ज्यादा लेगा, हाई एम्पियर लेगा, हाई एम्पियर लेकर के ओवर हीट होकर के ट्रिप कर देता है, बंद हो जाता है कंडेंसर कंप्रेसर, या फिर कंप्रेसर जो हमारा थोड़ा टाइम के बाद बंद हो रहा है तो उसके अंदर भी होता है कैपिलरी ट्यूब हो गया, अगर ब्लॉकेज रहेगा, अगर सिस्टम में हमारा कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है वो ब्लॉकेज रहेगा तभी इस तरह से प्रॉब्लम होगा, या फिर कंप्रेसर में हमारा जो है लो रेफ्रिजरेंट है यानी गैस कम है, गैस कम रहेगा तभी भी कंप्रेसर हीटअप होगा, हीट होकर के ट्रिप होगा, बंद होता है। अगर कंप्रेसर में ऑयल की कमी है तभी प्रॉब्लम होगा। ये चीजें हमारा बेसिक रहता है। अगर हमारा 10 मिनट के बाद चल करके बंद होता है तो अगर 10 मिनट के बाद चल के बंद हो रहा है तो आउटडोर में अगर सिर्फ कंप्रेसर ही बंद हो रहा है तो कंडेंसर में हम चेक करेंगे कंडेंसर फैन, या फिर कंडेंसर जो है बहुत ज्यादा गंदा हो सकता रहेगा, कंडेंसर कॉइल जो है गंदा है उस सर्विस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गैस का अगर कम रहेगा लो रहेगा तभी भी थोड़ा टाइम चलने के बाद बंद हो जाता है, ट्रिप कर देगा, या फिर एलपी प्रेशर पे कट ऑफ हो जा रहा है, या तो एचपी प्रेशर पे कट ऑफ हो जाता है अगर 3 फेज का एसी है तो। जिस कंडीशन में हम चेक करेंगे अगर कंडेंसर फैन ही चल रहा है
कंप्रेसर बंद है तो उसका कंप्रेसर कंटिन्यूटी चेक करें, कंटिन्यूटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो कंडीशन में कंप्रेसर खराब हो सकता रहेगा। इस तरह से वन बाय वन चेक करते हैं। आशा करता हूं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला है। इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन उसको ऑन जरूर करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा और क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं उसका कमेंट में बता सकते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो नेट से जो लोग पास शेयर कर रहे हैं, जो लोग प्रोसेस कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।